सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ली। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। खाते जाओगे अकल आते जाएगी। बीते हुए को नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। आज का पंचांग 11 अक्टूबर 2020 देर रविवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, शाम 5:53 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र रात्रि 1:19 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:34 से 6 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 11 अक्टूबर 2020 दिन रविवार, कार्यस्थल पर आपकी कूटनीति अच्छे परिणाम देगी। आपकी कड़ी मेहनत नोटिस की जा रही है जिसका फल आपको जल्द ही मिलने वाला है। पदोन्नति या इस बदलाव का मचल किंतु अपनी कमाई को सोच समझ कर खर्च करें। अपनी कड़ी मेहनत से मिली प्रशंसा की रोशनी का मचल लें। आज भौतिक सुख आपको लुभाएंगे। आपके भीतर आमदनी से अधिक खर्चा करने की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। आपके द्वारा लिए गए विचार से निर्णय पूरे महीने मददगार रहेंगे। अगर आप अपने अतीत से बाहर आने में समर्थ हैं तो आप अपने जीवन की हर समस्या से बाहर निकलने में समर्थ हैं। आज किसी दीर्घकालीन लाभ की योजनाओं पर कार्य शुरू हो सकता है। कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना एक चुनौती रहेगी, परंतु आप सबको सुनियोजित तरीके से कर पाने में सक्षम रहेंगी। इस दरमियान विद्यार्थियों को भी मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगी। मन के खिलाफ बातें होने की वजह से नाराजगी रहेगी। दूसरों से मिली टिप्पणी से आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। जितना वक्त आप सोच विचार में लगाएंगे उतनी तकलीफ बढ़ेगी, इसीलिए सुनो सबकी पर करो अपने मन की सावधानियाँ। ध्यान रखिए कि अनजान व्यक्तियों पर भरोसा करने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। कोई धोखा भी हो सकता है। किसी निकट संबंधी के साथ कलह व वाद विवाद की स्थिति को उभरने ना दें। लव लाइफ की बात करते हैं, यह समय प्रेम जीवन या रोमांस के लिए समस्याओं भरा हो सकता है, लेकिन सपने में भी अपने और अपने साथी के बीच की दूरियों को बढ़ने ना दें। अगर रिश्ते में विश्वास है तो कोई भी परेशानी आपको अलग नहीं कर सकती। दोस्तों के साथ मस्ती का प्रोग्राम बनेगा। आज फिजूल खर्चे आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। अपने फालतू खर्चों को कम करें और लालच या भावुक असुरक्षा से अपने रिश्ते को खराब ना करें। इससे आपके और आपके साथी के बीच दरार आ सकती है। जरूरी नहीं कि प्यार कीमती उपहारों से बढ़े, प्यार भरी एक नज़र भी संबंध में कमाल कर सकती है। करियर की बात करते हैं, इस समय कार्यस्थल में आपकी स्थिति दृढ़ है, जहां आप अपने नेतृत्व में सभी कर्मचारियों और सहयोगियों को नवीनीकरण और व्यवहार कुशलता से काम करना सिखाएंगे। सार्वजनिक या दुष्टों के मामलों से आज दूर रहें। काम से अच्छे परिणाम और पुरस्कार मिलने की भी संभावना है। आपका व्यवसाय जीवन आज आपको 7वें आसमान में ले जाएगा। अब आपकी क्षमता और व्यक्तित्व पूरे आकर्षण में है। प्रकाशन और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय विजय और उत्सव से कम नहीं है।
आपका करियर आज पूरी तरह से उज्जवल है और आपकी योग्यता आपको हर जगह पहचान देगी। सेहत की बात करते हैं। अगर आपको हाई और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। अपनी स्थिति की बेहतरी के लिए जीवन शैली में बदलाव लाएं। किसी भी सकारात्मक सुधार को एक चिन्ह मान लीजिए जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है। आज हल्की फुल्की कसरत कीजिए। आज का उपाय, आज आप घी का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।